नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा के जीडीसी कॉलेज में पढ़ने वाली दो छात्राएं 22 तारीख से लापता हैं। परिजन जब पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने चुनावी व्यस्तता का हवाला दे दिया। उसके बाद परिजन गुड़ थाने पहुंचे, वहां भी पुलिस ने चुनावी व्यस्तता का हवाला दे दिया। बीते 22 तारीख से आज तक दोनों छात्राओं का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। परेशान परिजन थाने से लेकर SP ऑफिस तक के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली चांदनी बंसल रीवा के GDC कॉलेज में पढ़ने आई थी, जिसके साथ उसके चाचा की लड़की भारती बंसल भी कॉलेज पहुंची थी। लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद दोनों ही लड़कियां गुमशुदा हो गईं। दोनों लड़कियां जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने चुनाव का हवाला देते हुए कार्यवाही नहीं की। फिर बाद में परिजनों ने गुड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहां पर भी पुलिस वालों ने परिजनों से कहा कि इस समय चुनाव चल रहा है, अभी हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, जिसकी शिकायत लेकर परिजन आज SP ऑफिस पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल दोनों लड़कियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों के अनुसार एक लड़की के पास मोबाइल है जो अभी बंद बता रहा है। आइए सुनते हैं पीड़ित परिजनों को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। बसोर समाज के इतिहास संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे जैसे ही जानकारी हुई कि हमारे समाज की विधानसभा गुड़ ग्राम रेरुआ की दो बच्चियों का जो GDC कॉलेज में आई थी पढ़ने और वापस नहीं गईं, हमने तत्काल सभी संबंधित जनों से रिश्तेदारों से पता किया, जिसमें पता चला कि जैसे ही लड़कियां घर नहीं गईं, टाइम ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने लगाई 3 बार फ़ोन, उन्होंने बच्चियों ने रिसीव किया और 4थी बार जब उन्होंने फ़ोन लगाया लड़की के पिताजी का कहना है तो उन्होंने संबंधित थाना गुड़ गए। अगुड़ में जब रिपोर्ट करना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप सिविल लाइन कोतवाली जाइए, क्योंकि GDC जो है वो सिविल लाइन कोतवाली अंतर्गत है। जब सिविल लाइन कोतवाली में आए तो इन्होंने बोला कि आपका थाना गुड़ लगता है, गुड़ जाइए, मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ। इस प्रकार से इनका समय जो है काफ़ी ख़त्म हो गया, जो इनको तत्काल जीरो में सिविल लाइन कोतवाली में महिला थाना भी रीवा में कायम कर लेना चाहिए था। इनके आचरण से ये लगा कि ये टाल मटोल कर रहे हैं। फिर 23 तारीख को किसी तरीके की उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज किया है और उस रिपोर्ट में लगातार ये भ्रामिक जानकारी ये गुड़ थाना के द्वारा दी जा रही है। अभी आज इन्होंने कहा था गुड़ पुलिस कि आप रीवा पहुँचिए GDC कॉलेज, हम वहाँ आ रहे हैं, अभी तक गुड़ पुलिस नहीं आई है। ये काफ़ी हमारे भयभीत और ये असुरक्षित दलित समाज के लोग हैं, जिनका सांसद विधायक महापौर ये नहीं है। इससे लगता है कि इनको पुलिस को लग रहा है कि समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, हम पर कोई प्रेशर नहीं हो सकता है, ऐसे गुम होते रहते हैं कूड़े करकट जैसे, तो इसको भी ऐसे डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं विनम्रतापूर्वक आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे समाज बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करता है, 24 घंटे के अंदर हमारी अगर लड़कियाँ रिकवर नहीं हुई, इसी आशा विश्वास के साथ SP साहब के पास आया था, वो नहीं है, न एडिशनल SP साहब है, न SP साहब है, मैडम DSP साहब थी, उनको हमने सारी बात बताई। 22 तारीख की घटना है, आज 29 तारीख हो गई है। हमारे लिए एक एक मिनट हमें एक एक साल के बराबर लग रहा है और ऐसा लगता है कि मेरी बच्चियों को ढूंढने में पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मैंने संबंधित अधिकारियों को निवेदन कर चुका हूं, अगर 24 घंटे के अंदर हमारी लड़कियां अगर रिकवर नहीं होंगी तो हम बृहद पूरे ज़िले में अनशन और प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन विशेष रूप से पुलिस विभाग की होगी। बच्ची का क्या नाम था और कौन सा सब्जेक्ट वगैरह? एक बच्ची भारती है और एक चांदनी है। चांदनी जो फर्स्ट ईयर में थी GDC कॉलेज आई हुई थी फॉर्म भरने के लिए और उसके साथ में उसकी चचेरी बहन है जो भारती, वो आई थी और अभी तक वो लौट करके उनके जिंदा मरने का कोई पता नहीं। मतलब मोबाइल वगैरह नहीं था। उस मोबाइल चांदनी के पास मोबाइल था, जो मोबाइल उसका स्विच आप बता रहा है, और जो भारती है वो मोबाइल नहीं ली थी, वो चचेरी बहन। कॉलेज प्रबंधन ने कुछ बताया गया? कॉलेज प्रबंधन का यह कहना है कि आप सिविल लाइन कोतवाली में आप रिपोर्ट करिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में लड़कियां आई थी? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी उन्होंने नहीं बताया। उनकी सहेली GDC में एक ही लड़की पढ़ती थी ना? हाँ, उनकी लड़की चांदनी पढ़ती जी। हाँ, एक उनके साथ साथ में आई चचेरी बहन थी, वो थी साथ में। मतलब फार्म डालने गई? हाँ जी, चांद
चांदनी अपनी बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने आई थी, उसकी जो चचेरी बहन है जो इलाहाबाद से आई हुई थी उसमें साथ में आ गई थी, चलो मैं देखने चलती फॉर्म भरने गई। हाँ बस, नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर फूलचंद बसोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतिहास। आपकी बच्ची कब से गायब है और कहाँ? 22 तारीख से गायब है सर, कोई पता नहीं चल रहा है। 10 तारीख इस तारीख को 10 बजे निकली थी। 23 तारीख को हम लोगों ने आए पता लगाने, जब 22 तारीख को नहीं पहुंची घर तो 23 तारीख को पता लगाने आए, पता चला कि यहाँ लड़की नहीं है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? कौन कॉलेज है? डीजीसी कॉलेज। घर से क्या बता के गई? घर से कॉलेज के लिए गई थी। कितनी लड़कियां ला पता? दो लड़की अब कॉलेज तक पहुँच चुकी थी, अब बैठी भी थी मंदिर के पास आकर। ऑफिस उसकी सहेली बता रही थी कि हम देखे थे चांदनी को, लेकिन ये नहीं देखा कि किधर गई किधर नहीं गई। आप लोग कॉलेज गए तो वहाँ क्या बताएं कि कॉलेज वाले कहें कि हम नहीं देखे? वहाँ कहें कि हम नहीं देखा है, इतनी बच्चियाँ हैं तो कहाँ से हम देख सकते हैं, किसका ध्यान कर सकते हैं हम? क्या लगता है इस तरह के बोले? हमको लोग कह रहे थे वो लोग किडनैप हो गए हमारे लोग की लड़की, हमारे लोग की लड़की तो लड़की साथ जाता है, हम लोग को पड़ोसी पुलिस वाले भी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, कोई किडनैप के लिए आते हैं कि हम लोग रो रहे हैं सड़क पर चली गई होगी, तुम लोग घबराओ मत, मिल जाएंगे हम लोग, ढूंढ के देंगे। हम लोग कब तक बैठे रहे, कब तक ढूंढने को पुलिस वाले के हाथ में? हमारी बच्ची नहीं मिल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हर दिन को बढ़ा रही है टाइम के, आज ढूंढ के देंगे कल देंगे ढूंढ के, किसी काम नहीं कर रही है। शिकायत आपने कहाँ की है इसकी? गुड़ में गुड़ खाने में। पुलिस क्या कही अभी तक? पुलिस तो हम लोग को बैठा दी, कॉलेज में कोई आया ही नहीं अभी तक, कोई कार्रवाई हम लोग की नहीं हो रही, हम लोग परेशान हम लोग रो रहे हैं। एसपी ऑफिस आए तो क्या बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई करा रहे हैं, देखिए का होता है। एक लड़की उसकी ड्रेस पहनी, हमारी लड़की तो घूमने के लिए इलाहाबाद से आई, हमारी लड़की सादा ड्रेस पहनी, वाइट कलर के पहनी, सफेद कपड़ा, एक कपड़ा, एक चांदनी नाम है, एक भारती नाम है। उल्टा नहीं, सीधा सीधा। ये थाना गुड़ अंतर्गत दिनांक 23/4 को फरियादी रज्जन बसोर निवासी ग्राम रेरुआ की तरफ से अपनी बच्ची चांदनी बसोर उम्र लगभग 19 वर्ष और भारती बसोर उम्र लगभग 15 वर्ष, इनके गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर थाना गुड़ में 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बच्चियों की का पिता का कहना है कि वो कॉलेज आई हुई थी रीवा, GDC कॉलेज आई थी, उसके बाद वो घर नहीं पहुँची और फ़ोन जो है बंद रहा है, उसके आधार पर विवेचना में जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक बच्चियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मोबाइल फ़ोन जो है बंद है, साइबर सेल से जानकारी निकाल कर और भी जो SOP के आधार पर जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करके पता तलाश किया जा रहा है।